अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भले ही ऑफिशियल ऐलान न हुआ हो, लेकिन आसिफ राजू सेठ का बेलगाम नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर तय माना जा रहा है। आजकल में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। लोग आसिफ राजू सेठ के दफ्तर पर मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे रियासत में कांग्रेस की हुकूमत का अंदाजा लगाया जाए। बेलगाम जिले में तकरीबन 18 हल्के हैं और यहाँ बजाय पार्टी के अपना तसल्लुत कायम करने की जंग कुछ लीडरों की जानिब से जारी है। लिहाजा अपने मिजाज के उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की कोशिश कुछ कांग्रेसी आला लीडरों की जानिब से की जाने की इत्तला हासिल हुई है। यकीनन कोई भी वजीर आला MLA MP बनने का ख्वाब देख सकता है। जाहिर है जमहूरियत है तो सभी को हक भी है कि अपनी किस्मत आजमा सकता है। साथ में इस बात का भी एहसास भी होना जरूरी है कि क्या रुकन असेंबली बनना कहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हो सकता है। खैर, अब कुछ आला लीडर अपना रसूख और दबाव इस्तेमाल कर अपनी सहूलत के मुताबिक यानी कि अपने मिजाज के मुताबिक उम्मीदवारी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर भी रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। कुछ वारदातों को बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि भाजपा तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर फिर से कर्नाटक में हुकूमत बनाने की फिराक में है। कांग्रेस के लिए इसे आखिरी मौके के तौर पर देखना गलत न होगा। इस बार हालात कांग्रेस के हक में नजर आ रहे हैं, पर कांग्रेस के लीडरों की आपसी अदावत, दुश्मनी, साजिशें हो सकता है कि कांग्रेस को इस बार भी ले डूबेगी। पिछली मरतबा इसी तरह अख्तलाफात ने कांग्रेस की नैया डुबो दी थी और शायद एक बार इसी तरह के हालात फिर नजर आते हुए देखा जा रहा है। इसमें कुछ नाम निहाद मुस्लिम लीडरों का भी हाथ हो सकता है। बजाय मुस्लिम लीडर कहने से आला लीडरों के हिमायती कह सकते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा अहमियत तो है। खैर, सियासती बिसात में मुस्लिम लीडरों से कौम को कितना नुकसान होगा, फायदा होगा, इस पर अलग से तबसरा करेंगे। खैर, बेलगाम साउथ में कांग्रेस को आखिर कोई ढंग का उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा, या इसे भी एक साजिश के तहत कमजोर कैंडिडेट दिया जा रहा है? अब तो सियासत में कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। आखिर कांग्रेस आला कमान के पास जमीनी हकीकत पहुंचती भी है या नहीं, या फिर कुछ मुकामी लीडरों के दबाव में खामोश इख्तियार की जाती है? लिहाजा पिछली मरतबा लक्ष्मण नारायण को उम्मीदवारी दी गई थी। इस बार कांग्रेस के जीतने के इम्कान हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस गारंटी कार्ड कुछ हद तक असरअंदाज होता भी दिखाई दे रहा है। भाजपा के धर्म की सियासत से आवाम में बेजारी का एहसास दिला रही है। साउथ में अभय पाटिल को लेकर नाराजगी भी है। लिहाजा परशुराम ढगे, रमेश कुडची या फिर रमेश गोरल, और जाहिर है रमेश गोरल मराठी उम्मीदवार है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्हें उम्मीदवारी देने से मराठी बुनकर समाज के वोट हासिल किया जा सकता है। पर अजीब पैंतरेबाजी कांग्रेस के सियासी लीडरों की जानिब से दक्षिण में खेली जा रही है और जिसकी कोई शनाखत नहीं उस प्रभावती को टिकट दिया जाता है। मतलब यहाँ शक होना भी लाजिम होता है। अब शक ये भी जाहिर होता है कि क्या अब कांग्रेस फायदा समिति को करना चाहती है या भाजपा को करना चाहती है। लिहाजा गो का खलका भी इसी तरह शक के दायरे में आता है। अशोक पुजारी जहां मजबूत दावेदार होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस ही के आला लीडरों की जानिब से मोहनतेज गदादी को उम्मीदवारी इसलिए दी जाती है ताकि भाजपा को इसका फायदा हो सके। इसी तरह रायबाग कुर्ची निपानी में उम्मीदवारी दी गई है। बेलगाम नॉर्थ से आसिफ सेठ का फाइनल होने के बावजूद इसे पेंडिंग रखना भी इसी का एक हिस्सा कह सकते हैं, जिससे मुस्लिम समाज में एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है। वाजा रहे कि बेलगाम जिले में मुसलमानों के किले के तौर पर बेलगाम नॉर्थ को देखा जाता है और कांग्रेस आला लीडर सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, खड़गे तक की नजरें बेलगाम नॉर्थ पर है। पर कांग्रेस के ही किसी एक लीडर की वजह से रुकावटों की बात कही जा रही है। साथ में भाजपा भी अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की जानिब से दूसरी फहरिस्त भी आज रिलीज की गई। अभी 50 उम्मीदवारों के नाम जाहिर करने हैं, वक्त बहुत कम है। भाजपा ने तो और भी आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की ही फर्जी फहरिस्त रिलीज की थी। मतलब किस हद तक भाजपा सोचती है ताकि आवाम कंफ्यूज हो जाए। बेलगाम नॉर्थ में यकीनी तौर पर राजू सेठ का नाम है, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट में देरी पूरे जिले को बेचैन कर रही है। अगर इसमें किसी बड़े लीडर का दखल है जो जानबूझकर देरी की जा रही है, तो इसका खामियाजा हो सकता है कि पूरे जिले को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा अफवाह में कहा जा रहा है। इस चुनाव में मुस्लिम कयादत को लेकर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, ताकि कोई भी पार्टी आला लीडर मुसलमानों के वोटों को ग्रांट ना ले, जिला में घूम फिर कर बेलगाम जिले की मरकजी कयादत को तश्कील किया जाए, ताकि मिल्लत का स्तर बिखराव ठीक नहीं है। माशरे में कुछ लोग अपने जाती मुफाद के खातिर मिल्लत के नुकसान को नजरअंदाज कर झोली भरने वाले हमेशा पाए गए। मौजूदा दौर की सियासत में वैसे भी मुसलमानों का असर
कम होता नजर आ रहा है। अगर एक हाथ बड़ा लीडर कंधे पे हाथ रखता है तो एमएलए के ख्वाब देखने वाले हर गली मोहल्ले में पाए जा सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस अंदरूनी दीमक से कैसे बच पाएगी, ये भी अहम सवाल है। ये तो बात सोचने की अगर कोई खुद कांग्रेसी लीडर ही ये कहे के बजाय हम कांग्रेस को वोट डालने की समिति को जिताया जाए बेहतर होगा, इसे क्या कह सकते हैं। जरूरत है आलाकमान को तवज्जो देते हुए भले साउथ नॉर्थ गोकाक निपानी और भी बेलगाम जिले के हलकों पर बजाते खुद इस पर नजर रखे, क्योंकि फिर से ऑपरेशन कमल कर्नाटक के लिए मुश्किल नहीं है। ऐसा ना हो कि जीत कर तो कांग्रेस के निशान पर आए और भाजपा का दामन थाम ले, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। यहाँ विचारधारा नहीं सत्ता और रुपया मायने रखता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।